हे एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं छठ पूजा में बनाई जाने वाली एक बहुत ही स्पेशल और ट्रेडिशनल बिहारी डिश, जो है रसिया खीर। रसिया खीर या जिसे रास खीर या गुड़ की खीर भी कहते हैं, यूपी बिहार झारखंड में खरना वाले दिन बनाई जाती है, जिसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। ऐसे प्रसाद के लिए बनाई जाने वाली किसी भी खाने का ही अलग सा ही स्वाद होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं बिहारी स्टाइल रसिया खीर को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में आधा कप धुला हुआ चावल ले लेना है। चावल को 3 से 4 बार अच्छे से धोकर मैंने ले लिया है यहाँ। इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और चावल को 15 से 20 मिनट के लिए सोक कर लेंगे, ताकि चावल अच्छे से फूल जाए। ऐसा करने से चावल जल्दी पक जाएगा। तो चलिए, जब तक चावल फूल रहा है, गुड़ की चाशनी तैयार कर लेते हैं। गैस ऑन करके हमें एक बर्तन ले लेना है। फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। ध्यान रहे, बर्तन को गर्म नहीं होने देना है। तुरंत इसमें डालेंगे आधा कप गुड़। गुड़ को हमें छोटे टुकड़ों में तोड़ कर ले लेना है, ताकि ये जल्दी पिघल जाए। साथ में इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे गुड़ जल्दी से पानी में पिघल जाए। गुड़ को हमें ज्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही गुड़ पानी में मिल जाए, गैस बंद कर लेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ की चाशनी कितनी अच्छी तैयार हुई है। चाशनी ठीक ऐसी ही पतली होनी चाहिए। तो बस इसे किसी छन्नी की मदद से छान कर साइड रख लें। अब एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 से 2 कप पानी। पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में एक उबाल आ गया है तो इसमें डालेंगे 1/2 कप सोखे हुए चावल। इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हमें लो पर ही रखकर इसे पकाना है। चावल को पका लेंगे जब तक चावल नरम नहीं हो जाती। चावल को 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से नरम हो जाएगा। इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, ताकि नीचे से ये चिपके नहीं और चावल थोड़ी टूट जाए। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, चावल पक चुका है और काफी हद तक ये थोड़ा नरम भी हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे गुड़ की चाशनी, जो हमने पहले तैयार किया था। गुड़ की चाशनी छान कर ही ले, क्योंकि इसमें काफी इम्प्योरिटीज होती है। अच्छे से गुड़ को चावल के साथ मिला लेंगे और इसे और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पकने देंगे, ताकि गुड़ अच्छे से चावल के साथ मिल जाए और थोड़ी गाढ़ी हो जाए। इसी बीच इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। खीर को बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, ताकि नीचे से और किनारे से ये बर्तन में चिपके नहीं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब गैस बंद कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ये थोड़ी ठंडी हो गई है, तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। गैस हमें ऑफ ही रखना है यहाँ पर। ठंडा होने के बाद ही दूध मिलाना है, नहीं तो दूध फट जाएगा। लास्ट में इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे सिंपल ही रख रही हूँ। तो लीजिए, खरना का प्रसाद यानी रसिया खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। रेसिपी आसान और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।